टू टेक ट्रेप्स। मैं हूं समीरा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं क्रिप्टो फिल्टर्स का एक नया एपिसोड। दोस्तों, टेलीग्राम के ओपन नेटवर्क टॉन कम्युनिटी ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा है कि टेलीग्राम उपयोगकर्ता जल्द ही डोनेशन और क्रिप्टो करेंसी टॉन कॉइन में अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करने में सक्षम होंगे और चैनल प्रशासक उसी क्रिप्टो करेंसी में अपनी इनकम कलेक्ट करने में सक्षम होंगे। ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल ने अपने ऑफिशियल टेलीग्राम हैंडल पर कहा है कि टॉन कम्युनिटी को ये घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि टॉन ब्लॉकचेन और डोनेट एक ऑफिशियल पार्टनर्स बन गए हैं। टेलीग्राम के सीईओ और को फाउंडर प्रेल ड्यूरोव ने खुलासा किया है कि कंपनी द्वारा पिछले साल ऑफिशियली ये प्रोजेक्ट बंद करने के बाद भी टेलीग्राम ओपन नेटवर्क टॉन ब्लॉकचेन तकनीक का विकास जारी है। वो कहते हैं कि उन्हें गर्व है कि उन्होंने जो तकनीक बनाई है वह जीवित है। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि टेलीग्राम ने पिछले साल डिसेंट्रलाइज स्टोरेज के साथ वेब 3 का पता लगाने का लक्ष्य रखा था। इस प्रोजेक्ट को टेलीग्राम ओपन नेटवर्क ब्लॉकचेन कहा गया था। हालांकि यूनाइटेड स्टेट सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड द्वारा टेलीग्राम पर सिक्योरिटी लॉ उल्लंघन का आरोप लगाने के बाद विवाद में पड़ने के बाद प्रोजेक्ट को छोड़ दिया गया था। ड्यूरोव ने बताया है कि प्रोजेक्ट टॉन से टॉन कॉइन में हो गया है। ये टॉन के विपरीत नया प्रोजेक्ट टेलीग्राम से इंडिपेंडेंट है। ऐसे मेटा प्लेटफॉर्म जिसे आप लोग फेसबुक के नाम से भी जानते हो को भी संसदों और नियामकों ने इसी तरह की एक प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा था, जिससे इसकी क्रिप्टो करेंसी लिब्रा, जिसे आप डीम से जानते हैं, उस प्रोजेक्ट को लॉन्च होने से रोक दिया गया था। तो दोस्तों, हमारा वीडियो आज का यहीं खत्म होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपके मन में अभी भी कुछ सवाल चल रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बेशक जाके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मैं समीरा आपसे लेती हूँ इजाजत। अलविदा, बाय बाय।